हाय एवरीवन, वी आर बैक टू आरोग्य फार्म्स और मस्त अमेजिंग मस्क मेलन खरबूजे जिसे कहते हैं वो उग रहे हैं। और बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई कि आप पेस्टिसाइड फ्री तो कह रहे हो, बट क्या एक्चुअल में पेस्टिसाइड फ्री है? और अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते तो आप उन चीज़ों को कैसे रोकते हो जो बाकी लोग नहीं कर पाते? तो आपको मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल सी चीज़ बताता हूँ। ये हमारा मस्क मेलन खरबूजा रखा है और नॉर्मली जो इसमें सबसे ईजी इन्फेक्शन होता है वो होता है फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज में क्या होता है, मेल फीमेल फ्रूट फ्लाइज आई, उन्होंने आपस में क्रॉस करा, फीमेल फ्रूट फ्लाइज बढ़नी शुरू हो गई। अभी उन्होंने इसकी स्किन के अंदर अपना डंक मार के और अपना लार्वा इसके अंदर डाल दिया। अब ये सबसे पहले तो डिके होना शुरू होगा, प्लस इसमें इन्फेक्शन हो गया और फंगल इन्फेक्शन भी होगा। व्हाट हैपेंस इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी पेस्टिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं जैसे ट्रैप्स हैं। एक बार ये ट्रैप खोल के दिखाना। ये हमारा बायोलॉजिकल तरीका है कि आप कि बिना पेस्टिसाइड यूज़ करें कैसे होता है। इस कप के अंदर अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा वुड टंगा हुआ है, इसके अंदर फेरो हार्मोन होता है जो कि मेल फ्रूट फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, अज्यूमिंग कि भाई यहाँ तो फीमेल है। और ये आप देखोगे सारे मेल फ्रूट फ्लाइज जो हैं मरे पड़े हैं। तो व्हाट हैपेंस इज अभी मेल फ्रूट फ्लाइज मर गए तो फीमेल फ्रूट फ्लाइज के बाद उनका क्रॉस नहीं होगा, फीमेल फ्रूट फ्लाइज कम होंगी, बच्चे नहीं होंगे, तो इन्फेक्शन कम होगा। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकली किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको अभी फील्ड में आगे जाऊँगा तो और चीज़ें दिखाऊँगा, बट दिस इज हाउ आप पेस्टिसाइड यूज़ करें बिना भी चीज़ों को उगा सकते हो। एंड बिलीव मी, आप इसको ऑर्डर करके खा के देखो, आपको पता लगेगा कि कितना मीठा है।